greater than or equal to the length than or equal to. ये स्टेप समझ आया? Yes. अब देखिएगा
लिखते हैं A greater than B, B greater than C, तो A is greater than C लिख सकता हूँ। समझ आई बात? क्या बेटा? नहीं मैं तो कह रहा हूँ इक्वल टू कब हो सकते हैं? ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा है ना, इक्वल टू ए की केस में हो सकते हैं, इक्वल टू जीरो, बट ये तो क्या है, नेचुरल नंबर तो कुछ नहीं कर सकते, सही बात, जीरो नहीं हो, तो ये वैल्यू से ग्रेटर ही होगी ऑलवेज। अब मुझे बता, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, देन ए इज ग्रेटर देन सी, अब बताओ क्या लिखूं, 1 प्लस 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस 1 is greater than equal to, मतलब क्या लिखूं, square root of plus a plus, ये बात समझ आई? एक बार और यही स्टेप लिखता हूं, 1 by square root 2 plus 1 by square root 3 plus 1 by square root of a plus 1 greater, rationalize करो इसको, अगर मैं इसको rationalize करूंगा तो क्या मिलेगा, इसको स्क्वायर रूट के प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट के से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो न्यूमरेटर क्या बनेगा, स्क्वायर रूट के प्लस वन माइनस रूट के बनेगा, डिनोमिनेटर क्या बनेगा, के प्लस वन माइनस के मतलब वन हुआ, और ये वाला प्लस तो क्या मिला आपको, ये मिला, ओके क्या लिखोगे, दैट्स ऑल, p ऑफ k प्लस 1 इज, व्हेनेवर p ऑफ k, एंड बाय tmi, p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल, फॉर ऑल n बिलोंग, ये हमने प्रूव कर दिया। आप में से किसी को भी डाउट हो तो यस सर, ये वाला ये आपको पता चला, बोथ साइड मैंने 1 अपॉन स्क्वायर रूट k प्लस 1 ऐड किया, इधर भी हो जाएगा, इधर भी ऐड किया, k प्लस 1 चाहिए, हमारा टारगेट क्या है, n की जगह k प्लस 1 चाहिए, कैसे आएगा, बोथ साइड ऐड करूं, ये वाला इधर क्या है, रूट के प्लस 1 बाय रूट के प्लस 1, हमें तो सिर्फ ये चाहिए, रूट के प्लस 1 एन की जगह, तो इसके लिए आपको इसको इस तरह से मैनेज करना होगा, और वो कैसे मैनेज होगा, हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं ऐसी कोई टर्म ले आ सकता हूँ तो उसका रेशनलाइज करने से ये कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म क्या, अब ऐसी टर्म कैसे आएगी, तो मैं इसको कंपेयर करूँ तो इसके साथ 1/2 और 1/2 प्लस 1, इसमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सी बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, वही तो क्यों, 1/2 k प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 k प्लस 1 प्लस बोथ बाय रूट के ऐड, ये समझ में आया, रैशनलाइजेशन पता है आपको कैसे करते हैं, रूट के प्लस 1 माइनस रूट के से मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, डिवाइड करोगे तो a प्लस b इनटू a माइनस b होता है a स्क्वायर माइनस b, रूट के प्लस 1 का स्क्वायर k प्लस माइनस रूट के का स्क्वायर k प्लस 1 माइनस k कितना हुआ, कितना हुआ, k प्लस 1 माइनस k कितना हुआ, 2 के ऊपर बार 2 आप बोल रहे कौन सी जाति का राजा बोले ये
फिर आज तो फिर थी
4 और इधर देख माइनस इन दोनों में ये a रेस टू k प्लस 1 और b टू a रेस टू k इन दोनों में a रेस टू k कॉमन क्या कॉमन निकालो a रेस टू k माइनस ऑफ a रेस टू k इधर क्या बचेगा इधर क्या बचेगा b माइनस b माइनस a रेस टू k कॉमन निकाला और इन दोनों में b रेस टू k कॉमन निकाला इन दोनों क्या बचेगा ये माइनस भी बचेगा देखो समझ गए तो खुद ही समझदार टू टाइम्स ए रेस टू के प्लस बी रेस टू के प्लस वन और माइनस इन दोनों में से ए माइनस बी कॉमन बी टू ए रेस टू के प्लस बी रेस माइनस है ना माइनस हो जाएगा डिवाइड बाय 4 और ये डिवाइड बाय 4 है ये बन जाएगा डिवाइड बाय 2 अब आप में से देखो कौन समझदार है इसके बाद क्या करें ये वाला से आप समझते हैं इन दोनों में से a माइनस b कॉमन निकालो क्या बचेगा a रेस टू k माइनस a रेस टू k बचेगा ना तो उसमें से भी माइनस कॉमन निकालो तो a रेस टू k माइनस b रेस टू k अब देखो a is less than b ये पूरा b है एंड ये खुद b is less than 2 ये होगा क्या फिर से बताओ yes a less than b ये पूरा b yes और ये पूरा b less than 2 कितना c yes ये पूरा इससे less होगा क्यों होगा क्योंकि इसमें से कुछ माइनस हो रहा है इसमें से कुछ माइनस हो रहा है तो ये इससे छोटा ही होगा yes. क्या आप ये पता है कि a माइनस b लेस देन a होता है yes. होता है ना yes. इस a में से कुछ माइनस करोगे तो वो a से छोटा हो जाएगा yes. जब आप इसमें से कुछ माइनस करोगे तो ये इससे छोटा हो जाएगा yes. तो मैं इसको लेस देन और इक्वल टू a रेस टू k प्लस 1 प्लस b रेस टू k प्लस 1 बाय 2 लिख सकता हूं yes. a लेस देन b एंड b लेस देन c a लेस देन c बात समझ आई जब भी आप लोग ट्रिको की प्रैक्टिस कर रहे हो ना yes. इस वीक में अच्छे से कर लेना वो भी चैप्टर इतने अच्छे से सॉल्व कर लो सब लोगों को कह रहा हूँ दूसरी बार उसको देखने की जरूरत नहीं पड़े yes. और दूसरी बार देखने की जरूरत पड़े तो इस तरह से देखो सोते सोते समझ में आया नहीं ये चैप्टर नहीं है इस बार नहीं इस बार ओनली ट्रिगोनोमेट्री नेक्स्ट टाइम ये चैप्टर होगा वो भी बोर्ड वाले में पूछेंगे तो आप लोग बहुत सारे समझदार हो उसमें से पूछ रहे इसके क्वेश्चन ऐसे होते हैं
देखो मल्टीपल हो या डिविजिबल आपको दोनों में सेम तरीके से सॉल्व करना है जिस तरह अभी तक हम लोग करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट बनाओगे लेट पी ऑफ एन क्या है 10 टू दी पावर एन प्लस 3 इनटू 4 टू दी पावर एन प्लस 2 प्लस 5 इज डिविजिबल बाय बाय 9। ये आप लोगों ने स्टेटमेंट पुट आउट फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे फॉर एन इक्वल टू 1 फॉर पी ऑफ 1 क्या होगा 10 पी ऑफ 1 10 3 इनटू 4 स्क्वायर प्लस 1 कितना लिखूं 10 प्लस फॉर पी ऑफ Yeah, 3 into 64? Yeah. Plus 5. 10 plus 5, 15 ho gaya. Plus 3 into 64. 3 into 4. 207. Kya ye 9 se divisible hai? Check karo to. क्या हम लोग लिख सकते हैं पी ऑफ 1 इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेप पी ऑफ के ट्रू है इसका मतलब क्या कोई बता सकता है पी ऑफ के ट्रू इसका मतलब क्या ये जो टर्म है ये 9 का मल्टीपल होगी तभी तो 9 से डिवाइड होगी तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 टू दी पावर n प्लस 3 टू 4 टू दी पावर n प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू 9n। n क्या है इसका कोई भी मल्टीपल। अब क्या ये 9 से डिविजिबल है तो 9n है तो कोई भी टर्म किसी भी टर्म से डिविजिबल कब होती है जब उसका वो फैक्टर हो जैसे 16 है 4 से डिवाइड होता है yes. तो 16 को आप 4 इनटू कुछ लिख सकते हो 32 को 4 इनटू कुछ लिख सकते हो बात समझ आ रही है yes. तो ये 9 से डिविजिबल कब होगा जब इसको 9 इनटू समथिंग आप कुछ लिख सकते हो बात समझ आई yes. ये था ए के लिए आपने लेट कर लिया। नेक्स्ट फोर सर इसको को के बुक नहीं करना के बुक बचा सॉरी यार ये है क्या है ए दिखाना पी और के भी तो एन की जगह क्या लिखेंगे और एन इक्वल टू के प्लस वन। चलो के प्लस वन के लिए अब हमें प्रूव क्या करना कोई बता सकता है। देखो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते थे फर्स्ट वाला जो था इक्वेशन वाला हम लोग क्या करते बोथ साइड के प्लस वन वाली टर्म ऐड करते थे इसको प्रूव कर देते इन इक्वालिटी में भी क्या करते थे या तो प्रोडक्ट करते थे या ऐड करते थे। अब इसमें क्या करना है आपको n की जगह k plus 1 लिखना है और फिर ये प्रूव करना है कि ये 9 से डिविजिबल है बात समझ आई yes. अब for n equal to k plus 1 ये बनेगा 10 to the power k plus 1 plus 3 to 4 to the power 3 plus 5। अब ये प्रूव करना है कि ये 9 से डिविजिबल है कैसे प्रूव करेंगे देखिए ऐसी
आप इसको अब मैं फर्स्ट स्टेप को ऐसे लिखता हूँ, देखो 10 टू दी पावर k प्लस 1 को 10 टू दी पावर k इनटू 10 लिख सकता हूँ, माइनस 3 इनटू 4 टू दी पावर k प्लस 3 प्लस 5। अब 10 टू दी पावर k की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको प्लस अभी तो सही है। ये बताओ क्या 10 टू दी पावर k की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी? वो होगी 10 टू दी पावर k इक्वल टू 9m माइनस 3 इनटू 4 टू दी पावर माइनस 5। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, 10 9m माइनस 3 इनटू 4 टू दी पावर k प्लस 2 माइनस 5 इनटू ये 10 प्लस 3 इनटू 4 टू दी पावर k प्लस 2 प्लस 5। ये स्टेप किस किस को समझ में नहीं आया? हमें p of k तो हमेशा यूज करना ही पड़ेगा, बात समझ आई? इस स्टेप का किसी को डाउट? अब मल्टीप्लाई कर दो, 9m into 10 कितना हुआ? माइनस 3 into 4 30 into 4 to the power a plus 2 plus 3 into 4 to the power a plus 3 minus माइनस कितना लिखो? 50 plus 5 45। किसी को डाउट इस स्टेप पर? देखो किसी को डाउट है? 10 इनटू मल्टीप्लाई किया, 10 इनटू 3 मल्टीप्लाई किया, फिर इसके बाद मैंने सीधा ये डबल, फिर 10 इनटू माइनस 5 माइनस 50 माइनस 50 प्लस 5 माइनस 45। ऐसा क्यों किया? 90m माइनस 45 इस टर्म को यहाँ लिखा, कोई दिक्कत नहीं ना? अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? आपसे कौन बताए? 4 टू दी पावर प्लस 2 कॉमन निकाल, तो यहाँ पे क्या बचा? 4 रेस 2 3 टू 4 माइनस, यहाँ पे क्या बचा? 4 किसी को डाउट? ये 34 नहीं है, 3 टू, किसी को डाउट है? बताओ 90m माइनस 45 प्लस 4 टू दी पावर k प्लस 2 12 माइनस 30 कितना हुआ? 18 माइनस 18 हुआ? यस। तो 90m माइनस 45 माइनस 18 इनटू 4 टू दी पावर k प्लस, क्या इसमें से 9 कॉमन निकाल सकता हूँ? यस। 9 इनटू 10m माइनस 5 प्लस 4। अब ये कोई ना कोई इंटीग्रल वैल्यू है, तो 9 p नाम दे सकता हूँ इसको। अब k प्लस 1 पुट किया तो आपको 9 का मल्टीपल मिला, तो क्या p ऑफ k प्लस 1 भी 9 से डिविजिबल है? यस। 9 का मल्टीपल मिला तो 9 से डिवाइड होगा? यस। तो क्या देखो, देखो p ऑफ k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 9। पॉइंट्स और ये सब पढ़ा है सेक्शन 1 का, ऑफ का हां
हमको सिखा ये प्रूव करके बताओ बिल्कुल इसी में ये सारे क्वेश्चन उसी के लिए है। आप लोग
ए प्लस वन की वैल्यू भी मिलती है सिक्स ऐसा लिखा होगा आप लोगों ने देखा ये आप लोगों ने सिक्स एम लिखा होगा फिर आप लोगों ने इधर ए प्लस वन ए प्लस टू ए प्लस सिक्स और ए प्लस सिक्स इसको मल्टीपल ऑफ सिक्स टू करना है ना क्या करोगे इन सभी का प्रोडक्ट करो फिर इन सभी का प्रोडक्ट करो इसके अंदर कुछ टर्म ऐसी आएगी जो बिल्कुल इसके प्रोडक्ट जैसी है उसकी जगह सीधा उठा के सिक्स टर्म समझ आया मैंने क्या बोला एक काम करो इन सभी का प्रोडक्ट करो एक क्यूबिक इक्वेशन यहाँ पे बनेगी इक्वल टू सी है सिक्स एम ऐसा लिखो फिर इन सभी का प्रोडक्ट करो यहाँ भी एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी फिर उसमें से वो टर्म ढूंढ निकालना जो यहाँ पे है आपके पास फिर बताओ इन सभी का प्रोडक्ट करो चलो क्या मिलता है मुझे बताओ यही पे आ गए नेक्स्ट स्टेप इधर a cube plus कितना मिला b cube plus 9k square plus 20k plus 12 equal to 6s देखो सबको ये मिला क्या अब इन सब का प्रोडक्ट करो मुझे बताओ क्या मिला सर वो तो नीचे का सर वो नीचे का अच्छा ये इसका क्या मिला इसका बताओ इसका प्रोडक्ट क्या मिला a cube plus 5 square plus k square a cube plus 6 k square plus k square plus 5 k square बोला है 6 k square plus 5 k 5 k plus 5 square सही देखो सबको यही मिल रहा है क्या अब इसमें ढूंढो k cube 6 k square plus 5 k कहाँ है देखो ये आपने अलग कर दिया इससे अब 9 k square था उसको 6 k square लिखा तो plus 3 k square बाकी है 20 k है 15 k plus 15 k plus अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ प्लस इसको डी कॉमन निकालू क्या मिलेगा अब इन दोनों डिविजिबल बाय सिक्स को रहे तो डी कॉमन मिल रहा है काम उसके कोई नहीं तो ये नहीं है जिससे करिए आप a square plus 6k plus 5 b cube plus 6k इसका प्रोडक्ट करने पे से किया देखो वही मिल रहा है वही मिल रहा है 6 कॉमन लिया a cube 6k square तो 3k square plus 5k 15k plus square ये तो मल्टीपल ऑफ 3 होगा मल्टीपल ऑफ 6 चाहिए ना हमको a plus 1, a plus 2, a plus 6 फैक्टर्स नहीं कर सकते उसके फैक्टर्स हां सर फिर उधर ए प्लस
a plus 4 is vector I think. So a plus 4 and k plus 1. Here. 3, 4, 7, so वो 6 का मल्टीपल ही रहेगा वो b 3 into k square का a plus 4. वो 2 होता है. 3 का. So 6 and 10 plus 3 का है. सही है क्या फैक्टर से तो ये इधर आया a cube plus 6k square plus 5k तो 3k square plus 15k plus 16 इसमें से 3 कॉमन मिला a plus k square plus 4k plus k plus 1 plus इन दोनों में से 3 कॉमन ये क्या मिला 2 है प्लस a plus 1 ये बताओ अगर मैं यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर पुट करता हूँ तो ये क्या बनेगा 2 जैसे मैंने ऑड पुट किया इवन बनेगा और इवन पुट किया तो इसमें ऑड पुट किया तो ऑड बनेगा और इवन पुट किया तो सब ध्यान से अगर मैं बोलता हूँ कि ए ऑड नंबर है तो ये क्या बनेगा इवन और ये क्या बनेगा ये ऑड ऑड और इवन का प्रोडक्ट ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ अगर आप k odd put कर रहे हो तो odd plus 1 even हो गया yes. और ये कितना हो जाएगा odd odd और even का product even always even yes. ये even है और 2 है ये भी even है yes. तो 2 common निकाल सकते हो yes. तो 2 3 to 2 times of b आ जाएगा ये 6 b अब दूसरा देखो अगर k even है तो k even है तो ये कितना बन जाएगा odd और ये कितना even ये odd और ये even even और odd का product even ये भी even और ये भी even two बार है ना मतलब आप k कुछ भी put करो odd तो भी even बन रहा है और even put करो तो भी ये even बन रहा है दोनों ही केस में even मतलब two का multiple होगा इसको two भी लिख सकते हैं 3 times 2 भी कितना हुआ 16 अब आप आगे और n इक्वल टू k प्लस 1 जहां पे भी n था वहां पे k प्लस 1 लिखा यहां पे k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 1 प्लस 5 k प्लस 6 हो गया अब इन सभी का प्रोडक्ट k ही है अब ये k क्यूब को ये k क्यूब लिखा 9 k स्क्वायर को 6 k स्क्वायर प्लस 3 k स्क्वायर 20k को 5k plus 15k लिखा और plus 12 अब ऐसा क्यों किया क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू है 6 है इसलिए इसमें से ये पोर्शन अलग निकाल के रखे ताकि मैं ये पुट कर सकूं फिर ये पुट किया और फिर इसको ऐसे किया और किसी को डाउट सारे क्वेश्चन करोगे ना एनसीईआरटी वाले सारे के सारे को देंगे मतलब आपको होमवर्क होमवर्क नहीं इधर ही करो इस चैप्टर को कोई होमवर्क होमवर्क आपको और मिल जाएगा और बड़ी चीज एग्जाम के बाद क्या करना हाँ उसका सलूशन तो बाद में मांगूंगा आप कॉल करो एग्जाम होगा ना तब तक हम लोग स्कूल में ये करते रहे छोटे छोटे चैप्टर जो है अगर हमने के बाद बड़ा चैप्टर रीडिंग हां नो एक बात ना केमिस्ट्री स्टॉप कर दो